एमएसपी खरीद के माध्यम से किसानों के खाते में 2.25 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा सीधे ट्रांसफर किए जा रहे हैं। कोरोना काल में एमएसएमई यानी हमारे छोटे उद्योगों मदद और उनकी सुरक्षा के लिए देश ने लगातार अनेक निर्णय लिए, अनेक प्रकार की मदद पहुंचाई। इस बजट में क्रेडिट गारंटी में रिकॉर्ड वृद्धि के साथ ही कई नई अन्य योजनाओं का ऐलान किया गया है। डिफेंस के कैपिटल बजट का 68% डोमेस्टिक इंडस्ट्री को रिजर्व करने का भी बड़ा लाभ भारत के एमएसएमई सेक्टर को मिलेगा। इधर राजस्थान के सीएम गहलोत सरकार ने कृषि बजट अलग से पेश करने की बात कही और कहा कि जो अलग से कृषि बजट पेश होगा उसमें किसानों को राष्ट्रीयकृत बैंकों की कर्ज माफी का तोहफा मिल सकेगा। ये किसानों के लिए राहत भरी खबर है। इसके बारे में अपनी महत्वपूर्ण राय जरूर दें और वीडियो को एक लाइक और एक शेयर करना ना भूलें। प्लीज़ 1 लाइक।